वासु, 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 हे! कौन हो तुम? गाने में होशो आवाज खो चुके थे, मुझे लगा कि तुम्हारी जान चली गई। कौन हो तुम? मैं जानती हूँ वासु, तुम गाते तो नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हारे गाने में दर्द महसूस किया। कौन हो तुम? जिस राग को गाने के लिए बड़े बड़े गायक कतराते हैं, इतना संगीत का ज्ञान तुम्हारे पास आया कैसे? बताओ मुझे। जब तक नहीं बताओगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। कौन हो तुम? बेटी, बेटी तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं ना? माँ, दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, एक नाक और एक जुबान आज भी मौजूद है। क्या बेटी, मैं तुमसे सीरियसली पूछ रही हूँ और तुम हो कि मजाक किया जा रही हो? मैं आज भी वैसी ही हूँ, इसका मतलब मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। हुँ? ओके। मोहिनी, कौन है वो बताओ, एक छोटा सा क्लू दो मुझे। उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे, उसे सलाखों के पीछे डाल देंगे। कौन है वो? सब लोग कब से पूछ रहे हैं, बता दो ना मोहिनी। मोहिनी, पापा की ओर मत देखो, वो कौन है बताओ मुझे। आहा, रॉब तो देखो इनका, ये कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, खुद के घर की लड़की की सुरक्षा तो कर नहीं पाए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा बेटी, कौन है वो? बकवास बंद करो, ये कोई कोर्ट नहीं है जो मेरी बेटी से पूछताछ कर रहे हो। कान खोल के सुन लो, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। इस तरह की बेवकूफी करके सरेआम मेरी इज्जत को मत उछालो। जाओ निकलो, निकलो। अच्छा बेटी, बताओ कौन है वो? ए, तुम्हें अलग से बोलूं? जाओ। बेटी, तुम थक गई हो, सो जाओ, बाद में मुझे आकर बताना कौन था वो। आप सब अभी पूछो या बाद में पूछो, मेरा एक ही जवाब रहेगा, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आंखें बंद करके ले गया था, घर छोड़ते वक्त हाथ पैर बांधकर गाड़ी में छोड़ दिया। बार बार एक ही सवाल, कौन है वो? लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा कि मैं कितनी थक गई हूँ। सॉरी पापा। ओ भाई वर्मा, वो सीता हमारे साथ रहकर हमें ही धोखा दे रही थी। इसीलिए कहते हैं प्यार मौत के समान है, लेकिन सच में उसने गांव में रहकर बहुत बड़ा नाटक किया है, यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मुदन्ना की गुप्तचर है, इस खेल में भाग लेने के लिए कहकर उसने हमारे प्राणों को संकट में डाल दिया। वो लड़की बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। ऐसा लग रहा है कि अब हम में से कोई भी राजमहल के प्रकोप से बच नहीं पाएगा।
मजा आया मजा आया, बहुत मजा आया, असली मजा। आ जाओ। तो ही मुदन्ना का असली भाई है छोटे, शाबाश। मुझे लगा मेरा भाई वर्मा का सिर काट के लाया है, लेकिन उसने तो मेरे भाई का ही सर काट के मुझे भेज दिया। ऐसा कभी सोचा नहीं था। मुदन्ना से दुश्मनी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूं, इसलिए इसका जवाब मैं दूंगा इसका जवाब। हाँ, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। हेलो, ठीक है पापा। मेरे पापा, क्या हुआ है उन्हें? कौन है तुम्हारे पापा? वो यहाँ पर। पापा क्या बात है पापा? ये चले दादा। सर, इसके पास तो मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ बोल भी नहीं रही है ये। सर को बता दे कि वो चीज कहाँ है। बोल चल। दीदी क्या हुआ? चोरी का केस है। मैंने उस आदमी की कार से सोना चुराया है। आज मैंने पार्किंग लॉट में एक आदमी को डांटा था, उसने इल्जाम लगा दिया। मैं कितना भी कहूँ ये विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ? तुम किससे बात कर रही हो ये जानती हो क्या? आप कोई भी हो, उससे मुझे क्या? कुछ बोल नहीं रही सर। अब तुम मुझे बताओ। मैंने चोरी नहीं की है सर। मुझे सुनाई नहीं दिया। सर, इसने चोरी नहीं की है, दरअसल इसे फंसाया गया है सर। इसे जाने दीजिए सर, प्लीज। मैंने तुमसे पूछा क्या? चलो हटो यहाँ से। एक दिन लॉकअप में रहेगी तो अहंकार टूटेगा इसका। चल। अगर आज मैं अंदर रही तो कल मुझे आप लोग मत ढूंढिएगा। पापा, क्या करेंगे? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं एडवोकेट से बात करूं पापा? बोलिए ना। हाँ, कर लो। पापा,
चलो। चल अंदर। मेरी दीदी को ना एक फेक केस में चोरी के इल्जाम में पुलिस हेलो 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 सर रजिस्टर लेकर आइए सर। तुम्हारी दीदी का नाम क्या है? सीना। उसे बुलाओ। बुलाता हूं सर। लेकर आ सर। केस क्या है? इस लड़की के नाम पर क्या केस है? सर चोरी का केस है सर। कैसी चोरी? सर ये काम करने वाले पार्किंग प्लेस में एक कार से सोना चोरी करी थी सर। कंप्लेंट किसने किया? सर सुशील नाम का एक आदमी है, वो बिजनेसमैन है सर। वो कंप्लेंट दिखाओ। रिटन कंप्लेंट नहीं दी है सर। मतलब? सर फोन से उसने बात की थी सर। FIR कहाँ है? नहीं है सर। आपने घटना वाली जगह पर जाकर पूछताछ की? नहीं सर। इसे चेक किया? किया सर। तो? इसने गुनाह कबूल नहीं किया सर। इसे मारे? नहीं। यह घटना कब हुई? सर अभी थोड़ी देर पहले। तो 379 का केस है? यस सर। किसी ने आपको फोन किया, उसने रिटर्न कंप्लेन भी नहीं की, घटनास्थल पर आपने पूछताछ नहीं की, FIR भी नहीं लिखी गई और कुछ मिला भी नहीं, सिर्फ किसी की बात सुनकर आपने ये एक्शन लिया। क्या है रमेश, आपके पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है ये आप नहीं जानते? लड़की को यहां 5 बजे पुलिस स्टेशन लाने से पहले उसके घर जाकर पूछताछ करनी चाहिए थी, ये आपको नहीं पता? बताइए क्या यह सही है? हाँ सर। सब कुछ नियम के हिसाब से ही होना चाहिए, ये आपको नहीं पता? बताइए क्या ये केस जेन्युइन है? R. वागले SI ऑफ पुलिस सेंट थॉमस सर्कल इंस्पेक्टर, इन दोनों का सस्पेंशन ऑर्डर तैयार करो। यस सर। और इन दोनों को यहां से भेजने के बाद सर आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। यस सर। और हाँ, उस कंप्लेन देने वाले की फुल डिटेल्स कल सुबह 10 बजे से पहले मुझे ऑफिस के टेबल पर चाहिए। सुबह तक पहुंच जाएगी सर।
आटे को अच्छे से गूंदकर अपने हाथों से चपाती बनाकर प्लेट सहित खा जाने वाला ये है चीव चंद्रचूर नाथ। कट 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 छी। इस तरह बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, चप्पल की बारिश होगी। साइड प्लीज साइड। एक्शन। आटे को गूंदकर हाथों से चपाती बनाकर प्लेट सहित खाने वाला ये है चीव चंद्रचूर नाथ। अरे कट 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 कट। अरे ये क्या है, इस तरह डायलॉग बोलोगे तो लोग सिनेमा हॉल में नहीं होटल में पहुंचेंगे। ठीक है सर, मैं नहीं बोल पाता तो आप ही बोलिए सर। मैं क्यों बोलूं, ये तो कला को भगवान मानने वाले वो बिहंगी जी ही बोल सकते हैं। सर मैं हूँ बिहंगी सर। बोलो सर। एक्शन बोलिए सर। एक्शन। आटे को गूंद कर हाथ से चपाती बनाकर प्लेट के साथ खा जाने वाला ये है चंद्र चूड़ा नाथ। ए, जाओ जाकर इसके साथ थाली धोने का काम करो, टैलेंट इंप्रूव हो जाएगा। सर आप ही हैं हमारे फिल्म के हीरो। सर, 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 मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस लंगूर जैसे दिखने वाले कोई हीरो बना लीजिए, आपके फिल्म को दूर से ही नमस्कार। ए, ए, जा जा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चल निकल जा। सर आपके इमोशंस देख के तो मैं सच में इंप्रेस हो गया। वैसे एक्टिंग में आपको इंटरेस्ट तो है ना? आज से ही नहीं, पैदा होने के पहले से ही मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है। वेरी गुड सर, आई एम सो हैप्पी। क्यों, मेरा डायलॉग सुनने के बाद क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है इसके लिए। सर मेरे सिर्फ एक डायलॉग से आप इतने इमोशनल हो गए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे अंदर कितना टैलेंट भरा है। आप चकरा जाएंगे, आप गिर जाएंगे, सच कह रहा हूँ सर। दिखाओ सर। दिखाओ, तैयार हो जाइए। पुलिस एक शब्द नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी है जिसके अंदर धधकता हुआ लावा होता है। चुराख बना दे। वाह, क्या तारीफ की है खाकी की, ये स्टाइल ही काफी है दीवाना बनाने के लिए। सुपर। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। ये वाला देखिए सर। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मनमानी की तो मैं तुझे मार डालूंगा, तुझको भी मार डालूंगा, खुद को भी मार डालूंगा, खुद को भी मार डालूंगा। तू दुनिया के किसी भी कोने में चली जा, चाहे वो इंग्लैंड ही क्यों ना हो, मैं वहाँ भी पहुँच जाऊंगा। तू इंग्लैंड में भी ऐसे नाटक करेगी तो वहाँ के लोग भी ऐसे भीड़ लगा के देखेंगे। दुनिया में फालतू लोग बहुत हैं जिनको फ्री एंटरटेनमेंट चाहिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे इंग्लैंड। महात्मा गांधी जी को जानती हो? पूरी दुनिया के लोग उनको फॉलो करते हैं, मैं भी उनके बताए अहिंसा के रास्ते पर चलता हूँ, समझी? वरना तक बाहर डालता। तुझे पता है, तुझे पता है उन्होंने क्या कहा था? अभी दिखाता हूँ। ये देख, देखा तुमने, इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये है हमारे गांधी का देश, हमारे इस देश में शांति, सौहार्द, संस्कृति सब कुछ है। यहाँ तक कि अगर उनके दूसरे गाल पे थप्पड़ मारो तो भी कुछ नहीं बोलते। ये देखो, ये है गांधी जी के असली फॉलोअर। इनके जैसे लोगों से ही इस देश में शांति सौहार्द सब बरकरार है। इनके लिए तालियां बजाओ सर। ये है हमारा देश, भारत देश महान। इसी को कहते हैं रिवॉल्यूशन। क्या डायलॉग है सर, यू आर अ रियल स्टार। बकवास बंद। हमारे दरबार में आकर हमारा आदर करने के बजाय हमारा अपमान कर रहा है मूर्ख। हर सही गलत निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ मुझे है, तुझे नहीं। वाह वाह, क्या एक्टिंग करते हैं आप, बात है कमाल की। देखो देखो, लास्ट है ना। बिल्कुल शिवराज कुमार लग रहा है। नहीं मैं हूँ सर, पूरे शरीर में मैंने भस्म लगाई हुई है, इसीलिए आप मुझे पहचान नहीं पाए। कहाँ थे सर? अभी तक तो पर्दे के पीछे था सर, आप लोगों की दुआ रही तो पर्दे के आगे आ जाऊंगा। अगर मैं कोई फिल्म स्टार्ट करूंगा तो उस फिल्म के हीरो आप ही होंगे। थैंक यू सर। तुम्हारा स्क्रीन में मैं होगा बिहंगी किडनी। किडनी? क्यों, जॉनी लीवर नहीं है क्या, फेमस एक्टर, उनके लिए लीवर टाइटल कितना फायदा दे रहा है। तो किडनी से मुझे फायदा होगा सर। लेकिन प्रोड्यूसर ये प्रोजेक्ट करने को तैयार ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, नए हीरो को लेकर फिल्म स्टार्ट करने पर कोई साथी नहीं देता, पुराने चेहरों के पीछे कब तक भागते रहेंगे हम लोग? सर आप इसकी टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप इरादा कर लीजिए, फिल्म के लिए प्रोड्यूसर हमें मिल जाएगा। कैसे? सर आपके मामा वो बैंकॉक वाले बद्रीनाथ, उनको अपनी वल्लारी माइनिंग एरिया वाली लैंड बेचनी है ना, अगर आप उसे बिकवा देंगे तो आपको कमीशन मिल जाएगा। मैं क्रिएटर हूँ, मेडिएटर नहीं। सर ऐसी बात मत कीजिए सर, एक कोशिश कीजिए मेरी खातिर सर, अपने खातिर सर, और अगर फ्यूचर में कुछ बनना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर। तो क्या करूं, स्क्रीन प्ले का काम छोड़कर बायर ढूंढता फिरूं? बायर तो है मेरे पास। अच्छा कौन है वो? अपना मिनिस्टर नसीमा, समझो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, फटाफट कमीशन बताओ। सर 1% भी होगा तो 4 करोड़ बनते हैं। फिर वही चिंदी बात, टेक 2%, सिनेमा में ग्रैंजर होना चाहिए, ग्रैंजर। सर ये सही नहीं लग रहा है। क्या सही नहीं लग रहा है यार, उस कमीने ने कितने की गर्दन मरोड़ कर पैसे बटोरे पता है? मुझे पता है मुझे, ये ईमानदारी की फीलिंग छोड़, बस तू फ्रेमिंग की तरफ ध्यान दे। ठीक है बिहंगी, बिहंगी किडनी, बिहंगी किडनी की।